लोकसभा चुनाव के चल रहे घमासान के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़चिचोली में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ को घेरा। उन्होंने 5 साल का हिसाब मांगते हुए कहा कि लेना न देना सिर्फ मगन रहना, क्या करोगे ऐसे सांसद का। जब कांग्रेस की सरकार थी तो घोटालों पर घोटाले होते थे। मैं विश्व में किसी भी देश में जाता था तो लोग कहते थे कि आप उस देश से आए हैं जहां घपले हो रहे हैं। कांग्रेस ने देश को विनाश और तबाह करने के सिवा कुछ नहीं किया, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत का डंका बज रहा है, भारत की जय जयकार हो रही है। जब तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, कमलनाथ जी भी कई बार मंत्री रहे। आप बताओ जब उनकी सरकार थी तो भारत की इतनी इज्जत और मान प्रतिष्ठा दुनिया में थी क्या? भारत का मान सम्मान नहीं था। हमारे देश को जानते थे घोटालों के देश के रूप में। मैं तो कई बार मुख्यमंत्री रहा, जब दुनिया के किसी देश में जाता था और भारत की बात करता था तो कहते थे वही इंडिया जाए, इतने घपले घोटाले हो रहे। लेकिन जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की जय जय हो रही है। आप बताओ कि केवल एक ही परिवार का राज चलना चाहिए? जोर से बताओ, चलना चाहिए क्या? और कोई पैदा ही नहीं हुआ क्या? अरे तुम्हारे यहां से कौन नहीं सांसद हो सकते भाई? छिंदवाड़ा की माटी का लाल क्यों सांसद नहीं हो सकता, क्यों विधायक नहीं हो सकता? और मैं नाम लेके किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हिसाब किताब तो मांगो, 5 साल में किया क्या है? लेना ना देना मगन रहना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज़ादी के बाद से भारत को वैभवशाली, समृद्धशाली और गौरवशाली बनाने का सपना देखा जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। भारत का यह सपना सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पूरा कर सकते हैं। यह चुनाव किसी को दिल्ली भेजने का नहीं है, बल्कि भारत की प्राण प्रतिष्ठा बढ़ाने का है, विश्व कल्याण का है, जो मोदी के हाथों ही संभव है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, किसी को MP बनाना है, किसी को दिल्ली भेजना है, इसका चुनाव थोड़ी है। ये चुनाव है भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ाने का चुनाव। ये छोटे मोटे मुद्दों पे चुनाव मत ले जाओ। अच्छा, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? चारों तरफ काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। यार इनने किया क्या? पांडुरना को जिला भी तो अपन नहीं बनाया। क्षेत्र में बीते शुक्रवार और शनिवार को 145 बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर ही वोट डाले। 3 मतदाता मत नहीं डाल सके, इनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी और 1 अस्पताल में भर्ती थे। कुल 148 में से 145 मतदाताओं ने मतदान किया। बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पहुंचकर मतदान दलों ने वोट डलवाए। इसके लिए विधानसभा स्तर पर 10 दल गठित किए गए थे। पहले दिन 41 बूथों पर 63 मतदाताओं ने वोट डाले तो दूसरे दिन 48 बूथों पर 82 वोट डाले गए। घर पर सोलर पैनल लगाकर पाए महंगी बिजली बिल से मुक्ति। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ पाए। सोलर प्लांट से स्वयं की बिजली बनाकर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी पाए। तो जल्दी कीजिए आसान किस्तों पर अपने घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं इंडस्ट्रीज पर सोलर प्लांट लगाए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें RR सोलर सॉल्यूशन, तार बाजार, कृषि उपज मंडी रोड, प्रोप्राइटर रवि खुड़कुड़िया। सोलर अपनाएं, समझदार कहलाएं।